मोगा के हलका धर्मकोट पिंड बग्गे दे विच इक नौजवान की तूड़ी बनाने वाली मशीन के रीपर विच आउण करके मौत हुई है। इस संबंधित सुखगिल जिला प्रधान जूत सिंह भारतीय किसान यूनियन ने दसिया है कि उन्होंने नेड़ले पिंड बग्गे के किसान बलविंदर सिंह के नौजवान पुत्र गुरचरण सिंह की तूड़ी बनाने वाली मशीन में आने करके बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मन्ना अपनी तूड़ी वाली मशीन न तूड़ी बना रहा है तो मशीन साफ कर लग्या उसका पैर से लग गया मशीन के कटर की पेट में आने करके ये हादसा वापर गया तो उसकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि उसकी उम्र करीब 23 साल से तो मापिया का इकलौता पुत्र से। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਆ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਗੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ और परिवार जिहड़ा बहुत ज़्यादा दुख में आ क्योंकि मापिया का इकलौता पुत्र सी अमृतधारी नौजवान सी ना कोई नशा करता सी किसी किस्म का भी कोई नशा नहीं सी करता धार्मिक एक गुरु घर जाने वाला यह नौजवान सी अचानक ये हादसा वापर नाल इलाके दे विच जिहड़ी सोग की लहर फैली हुई है और पंजाब सरकार तो असीं मंग करते हैं कि इस नौजवान के परिवार को करोड़ रुपए मुआवजा दिता जाए क्योंकि इन्हां दे परिवार दे विच होर कोई कमाउण वाला नहीं है जिहड़े इन्हां दे फादर साहब आ वह भी बीमार रेंदे आ और माता भी जिहड़े ठीक नहीं तां पंजाब सरकार तो असीं मंग करदे आ कि उह इस परिवार नूं जिहड़ा करोड़ रुपए मुआवजा दिता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोगा तो बिट्टू पूरबा दी रिपोर्ट पंजाब टुडे।